got me down. I don't wanna frown. Maybe I'm a clown. But about them days, maybe I don't change. Always stay the same. Police say they wanna lock me down. I don't mind. Mommy say she wanna lock me out. I don't mind. Daddy say he wanna knock me out. I don't mind. Shorty say she wanna leave me now. I don't mind distance. Came up from persistence. All this got me distant. I don't wanna listen. Bliss. Autumn night bliss. Talking like this. 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 Lately got me down. I don't wanna frown. What about them days? Maybe I don't. Police say they wanna lock me down. I don't mind. People say they want me out of town. I don't mind. LD army got me running now. I don't mind. You don't know the fuck I'm talking about. I don't mind distance. Came up from persistence. All this got me distant. I don't wanna listen. गाइज गुड मॉर्निंग। कल हम इन पैकहम पियर्स की ना प्लांटेशन करने वाले हैं, तो आज एक ज़रूरी काम करता हूँ। 24 घंटे पहले इनको बांध के ना सुतड़ी के साथ इसमें डाल देंगे टैंक में, जिससे कि ऊपर से लेकर जड़ों तक ये पूरा डूब जाए नीचे तक। उससे क्या होगा, इनको हाइड्रेशन मिलेगी, पक्के लगेंगे, जहाँ पर लगाएंगे वहाँ पर भी इनको पानी देंगे, तो कोई ऊपर से नीचे को सूखेगी नहीं। उसको क्या बोलते हैं, डाई बैक नहीं होगा पेड़ों का। ये काम बहुत ज़रूरी है। और जो हमारा मेन काम रहेगा आज, वो यही रहेगा कि जो पल्लम का पेड़ है, पल्लम की जो सारे पेड़ है यहाँ बगीचे में, उनकी हम समर प्रूनिंग करेंगे। तो कोई बंदा दिख रहा है मुझे लगा वो सरप्राइज मिल गया, मतलब कौन है हमारे बगीचे में। हाँ जी इंद्र भाई लगे हैं। अच्छा 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 चलो चलो। इंद्र भाई अपने गड्ढे बना रहे ना, उनको गड्ढे बनाने देते हैं और हम लोग अपना काम करते हैं। ये काम तो हो गया, देखो बुलबुले कैसे उठ रहे हैं। एयर पॉकेट्स होगी ना जड़ों के बीच में, तो सारे बुलबुले उठ रहे हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैंने बिल्कुल नई कैंची ली है, फ्रेश, और जो वो काटती है नए टहनियाँ, हा 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 बड़ा मज़ा आता है इसके साथ टहनियाँ काटने में, बिल्कुल जोर ही नहीं लगता है, आराम से काटो, कोई जोर नहीं लग रहा है, कोई जोर नहीं लग रहा है। ये हमारी पैकहम नाशपति है। इस साल इसमें कलमे हुई है, एक साल की कलम है, जो तीन शाने दिख रहे हैं ना शाखाएं आपको, इस साल इसकी टॉप पे कलम करेंगे और ऊपर को जाएगी। इसमें इस साल फ्रूट लगेंगे, इसके फ्रूटिंग बर्ड्स हैं देखो, पैकहम के ना जो कमज़ोर भी दिखेंगे उनमें भी फ्रूट लग जाते हैं, फोकस करें तो। ये वाला देखो स्ट्रॉन्ग बर्ड है, यहाँ पे भी
लास्ट में क्रॉप आएगी, इसको मैं उड़ाऊंगा नहीं, इसको ऐसे जाने दूंगा। ये देखो इस पे भी क्रॉप लग सकती है इस साल। पॉलिनेशन होनी चाहिए और कुछ नहीं है, उसके एंड में भी क्रॉप लगेगी। और वैसे हम गड्ढे गुड्ढे तैयार कर रहे हैं, इसका अपडेट मैं शायद आपको नेक्स्ट वीडियो में दे सकता हूँ शायद, या नेक्स्ट से नेक्स्ट में दूंगा, पता नहीं। चलो मैं इसको निपटाता हूँ प्रून करके ना। ये भी पैखा में यहाँ पे, इसमें भी इस साल फ्रूट आएगा। देखो लास्ट में तो आएगा ही आएगा, इसके लास्ट में फ्रूट तो आएगा ही आएगा, बीच में भी आएंगे। यहाँ देखो कितने स्ट्रॉन्ग बर्ड्स बन रहे हैं। वैसे टोटल इसमें बन रहे, थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग करूंगा मैं, इनमें ज़्यादा प्रूनिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि इनमें समर प्रूनिंग 3-4 बार कर चुका हूँ मैं। मेन था मेरा मकसद कि ऊपर को मैं फोर्स करूँ इसको, पैखम को जाने का। पैखम की ग्रोथ इतनी होती है कि आगे जाके फिर लेट जाती है, तो इसको मैंने फोर्स करना पड़ेगा ऊपर को। अगले साल पूरा ट्राई करूँगा कि जितना भी इसका साइज है, इसका कम से कम 3 गुना तो बन ही जाए कलम। यहाँ पे पेड़ था देखो, जैसे शेगल का पत्थर के नीचे था, तो पूरे पर ऐसे मिट्टी ला के हमने इसके यहाँ पे डाल दी। उससे क्या होगा, इसको जड़ फैलाने को जगह मिलेगी, खाद डालने को जगह मिलेगी हमको। ये सारा ये 3 साल की ग्रोथ है, बहुत कम ग्रोथ है क्योंकि इसके पास रूट स्पेस ही नहीं था यहाँ पे। अब देखो कितना साफ लग रहा है पेड़, और इतनी ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ थी इसमें कि हालत ख़राब थी। अगले साल में इसमें ना थोड़ी थोड़ी यूरिया डालूंगा, उससे क्या होगा कि वेजिटेटिव के साथ रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी आएगी, स्पर वगैरह ज़्यादा बढ़ेंगे, है ना। ये देख लो पैखम का, ये शायद 4th लीफ ईयर आएगा इसका अब, या फिर 4 साल इसको कंप्लीट हो गए शायद। बिना किसी केयर के इतना हो गया, 9 में टाइम पे खाद मिलती थी ना कुछ, ना पानी। यहाँ पे देखो झाड़ियाँ कैसी थी, सारी काटी, सब कुछ किया, परे इतना मोटा पेड़ था, मतलब कि यहाँ पे जंगल था, जंगल के बीच में थे पेड़। अब तो काफ़ी साफ हो गया बगीचा ना इस साल से, पिछली साल से थोड़ी मेहनत कर रहे बगीचे में, तो शायद थोड़ा साफ हो गया और अगली साल अच्छी फसल भी आएगी। इस पेड़ में क्रेस्ट से ऊपर फ्रूट निकलना चाहिए, इतना बड़ा है जो दिख रहा है आपको। इसकी प्रूनिंग मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, स्पेशल दिन निकालेंगे। आज सोच रहा हूँ मैं पूरे बगीचे में पल्लम की प्रूनिंग मैं ख़त्म कर दूँ, पल्लम की कलमें, पल्लम के पेड़ सब ख़त्म कर दूँगा आज। अब एक दूसरे पेड़ों के बीच में ना हमको अपनी कैंची को सैनिटाइज करना भी ज़रूरी है, तो मैंने एक स्पेशल लाइटर रखा है अपने पास, मैं दिखाता हूँ आपको। ये वो लाइटर है, लाइटर रखना बड़ा ज़रूरी है आपको अपनी जेब में ना, जब आप प्रूनिंग कर रहे हैं तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ को जाते हुए बिल्कुल आपको लाइटर लेके घूमना है, क्योंकि आजकल मान लो सेब में तो है ही है, कौन सा वायरस है, वो मोज़ेक वायरस है, कोई ऐसा वायरस है, तो उससे बचने के लिए आपको सैनिटाइज करना पड़ेगा। तो मैं पल्लम में भी कर लेता हूँ सैनिटाइज, ताकि कोई चांस ही ना रहे कि हमारे प्रॉब्लम आएगी। और ये देख लो सामने जेसीबी लगी है, एचडीपी ब्लॉक बन रहा है इनका नया, नीचे तक पुराना ब्लॉक है, ऊपर तक नया। मैं आपको पर जाके दिखाऊंगा, इसकी स्पेशल वीडियो बनाएंगे। तो सैनिटाइज करना ज़रूरी है, सैनिटाइज करते हुए आप, ज़रूरी नहीं है कि कैंची को जलाना ही है बैठ के, आप थोड़ी देर इधर उधर करके फटाफट से इसको सैनिटाइज कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका बैक्टीरिया है, वायरस है, इनका साइज़ बहुत छोटा होता है, ये हल्के से भी आग से ना जल के मर जाते हैं, थोड़ी सी भी आग लग के मर जाते हैं। तो और दूसरी बात ये भी है कि नहीं करने से कुछ करना तो ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।